सुना आपने टीवी स्टार श्वेता तिवारी का ये बयान। जी हाँ, श्वेता तिवारी के इस बयान को सुनकर आप भी चौंक गए होंगे और श्वेता तिवारी के इसी बयान ने इन दिनों राजनीतिक गलियारों में भी सनसनी मचा दी है और श्वेता का ये बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। वही मामले को तूल पकड़ता देख भोपाल में उस इवेंट को होस्ट कर रहे सलील आचार ने अपने सोशल हैंडल पर एक वीडियो जारी कर श्वेता तिवारी के विवादित बयान का सच सबके सामने रखने की कोशिश की है। नमस्कार, जो विवादों में श्वेता तिवारी की जो क्लिपिंग चल रही है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि स्टेज पर मैं ही था और जो सवाल हमने किया था उनसे, आई थिंक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। मेरे साथ में सौरभ बैठा था और सौरभ बहुत किरदार निभा चुका है देवों के देव महादेव महाभारत में। तो हमने जो मैंने जो सवाल किया था, मैंने कहा भगवान से लेकर सीधा ब्रा फिटर का रोल, उसके बाद श्वेता तिवारी ने उसका जवाब दिया जी हाँ, और यही भगवान से हम फिटिंग करवा रहे हैं। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट था, इसको प्लीज देखा जाए पूरे कॉन्टेक्स्ट में और ना कि उसे काट पीट के उसे पोस्ट किया जाए सुर्खियों में रहने के लिए। थैंक यू। सलील के इस बयान के बाद हम आपको दिखाते हैं इवेंट का वो पूरा विजुअल जहां पर ये पूरा डिस्कशन हुआ था। वी आल्सो पार्ट ऑफ दैट सेम इंडस्ट्री, एक्टर्स के बारे में लोग ऐसे ही जाकर बताते हैं। आप किसी के प्रोफेशन से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसे हैं। मैं आज भी फोन उठाकर सबसे पहले जय माता दी बोलती हूं। मैं अगर किसी आफ्टर पार्टी में भी हूं, यू नो, जहां पे प्रेस हमारी फिल्म रिलीज हुई है, फिर आप एक फंक्शन में हैं जहां सारे लोग हैं, I have literally picked up the phone and said, Jai Mata Di, right? And I feel ये मुझे हमेशा से बहुत खटकता था कि like, you know, people really judge you, कि ये ऐसे होंगे। Coming back to हमारा topic, I feel ये taboo इसलिए भी है, because हमने as a society, अगर हम realize करने की कोशिश करें, stereotype कर दिया है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती हैं, right? बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है, बात ये है मेरी कई ऐसे फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि अगर आप पब्लिकली रो रहे हो तो शायद आप गलती कर रहे हैं। यू नो, मेन डोंट क्राई, राइट? मर्दानगी पर एक, हाँ, मर्दानगी आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप, यू नो, यू आर अ गाय एंड लड़कियां हैं तो आप ये बातें नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अ वुमन, यू नो, यू कांट बी सेइंग सच थिंग्स। आई फील टैबूज हर जगह है, उनका लिमिटेशन एंड उनका मुद्दा डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर एक लड़का ब्रा फिटर बन जाए तो आप उसको भी ऐसी देख रहे हो ना, वो थोड़ी ना लड़की है, इसको भी तो ऐसी हम देख रहे हैं। यही है जो किरदार निभा रहे हैं इसका। एक्चुअली स्टीरियोटाइप्स की अगर बात करें, ये खुद इतने टाइम से स्टीरियोटाइप्स है, भगवान का रूप तो कितनी बार अपना चुके हैं। एंड आई पर्सनली थिंक जैसे भगवान से सीधा ब्रा फिटर, मतलब अल्लाह जस्ट वांट टू से दैट। सौरभ, हाउ डज इट फील बिफोर सलील टेक्स ओवर? हाउ डज इट फील फ्रॉम, यू नो, राइडिंग चैरियट्स टू मेरे ट्रांस साइज भगवान ले रहे हैं? मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी, नहीं नहीं, सच ए एक्सपीरियंस एंड सच ए ब्रिलियंट स्टार कास्ट, आई डोंट थिंक ऑल हैव डन भगवान का रूप कभी। ये रोहित आपने वेल, आपको बता दें कि टीवी स्टार श्वेता तिवारी अपने अपकमिंग वेब सीरीज शो स्टॉपर मीट द ब्रा फिटर के लॉन्च के मौके पर एमपी पहुंची थी। श्वेता तिवारी के साथ इस इवेंट पर रोहित रॉय, दिगंगना सूर्यवंशी और सौरभ राज जैन भी मंच पर मौजूद थे, जहां श्वेता ने भगवान को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। वहीं अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने श्वेता तिवारी के विवादित बयान का संज्ञान लिया है। उन्होंने श्वेता के इस बयान की निंदा की है और भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है इस मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द ही उन्हें सौंपी जाए, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वेल, अब इस पूरे मामले के बाद एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, जिसमें श्वेता ने लिखा है, It has come to my notice that a certain statement of mine referring to a colleague's previous role has been taken out of a context and has been misconstrued. When put in context, one will understand that the statement in reference to Bhagwan was in context with Saurabh Raj Jain's popular role of deity. People's associate character's name and hence I use that as an example during my conversation with media.
However, it has been completely misconstrued, which is saddening to see. As someone who has been a staunch believer of Bhagwan myself, there is no way that I would intentionally or unintentionally say or do any such thing that would hurt sentiments by and large. I have, however, come to understand when taken out of context, it has unintentionally hurt feelings of people. Please be assured that it has never been my intention to hurt anyone with my words or actions. Hence, I would like to humbly apologize for the hurt that the statement has unintentionally caused to a lot of people.